अगर आपका पर्सनल ईमेल आईडी यानी कि जिस ईमेल आईडी को आपने अपने डिवाइस में लॉगिन कर रखा है और अगर वही ईमेल आईडी कोई हैक कर लेता है, किसी के हाथ लग जाता है और साथ ही साथ उसका पासवर्ड भी अगर किसी को पता चल जाता है तो आपका मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से हैक कर लिया जाएगा सिर्फ एक ईमेल आईडी के थ्रू। यानी कि जैसे ही आपका ईमेल आईडी हैक होगा, ठीक है ना, तो आप किससे मोबाइल फ़ोन के जरिए बातें करते हैं, कितने कॉन्टैक्ट हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, क्या रिकॉर्डिंग है आपके मोबाइल फ़ोन में, किस टाइप की रिकॉर्डिंग और साथ ही साथ किस टाइप का फ़ोटो और वीडियो आप अपने डिवाइस में स्टोर करके रखे हुए हैं, सब कुछ सारा डेटा अगला बंदा देख सकता है, अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकता है और लीक कर सकता है, इंटरनेट पर वायरल कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। सो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में किस तरीके से सिर्फ एक ईमेल आईडी के थ्रू, आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा यानी कि किसी और के हाथ लग जाएगा। पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं और साथ ही साथ अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इससे आपको कैसे छुटकारा पाना है उसका भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एक ईमेल आईडी के थ्रू आपका सारा डेटा कैसे हैक कर लिया जाता है इसका पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप इसका गलत यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम बाद में आ सकती है। देखिए, काफ़ी सारे यूजर्स क्या करते हैं, जिस ईमेल आईडी को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके रखते हैं या फिर जिस ईमेल आईडी पर अपने व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं या फिर फोटोज वीडियो अपलोड करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, बहुत सारे यूजर्स अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वहां पर अपलोड करके रख देते हैं ताकि बाद में उन्हें नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर वही जीमेल आईडी आपका हैक हो जाए तो आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है, यानी कि आपका सारा डेटा हैक हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, इसका मिसयूज मत कीजिएगा क्योंकि आप अगर किसी की प्राइवेसी को तोड़ते हैं, उसकी प्राइवेसी को छेड़छाड़ करते हैं तो भाई गलत बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है ना। आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप सिंपल क्या कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका जो ईमेल आईडी है मेरे हाथ लग गया और आपका पासवर्ड भी, ठीक है ना, ईमेल आईडी का पासवर्ड भी मेरे हाथ लग गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोम मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में टाइप करूँगा डैशबोर्ड, सिर्फ डैशबोर्ड ही आपको टाइप करना है कुछ इस तरीके से। ये रहा डैशबोर्ड, इस पर क्लिक कीजिए। बहुत छोटा सा प्रोसेस है और इस प्रोसेस की हेल्प से कोई भी आम इंसान भी आपका सारा डेटा हैक कर सकता है, आपका सारा डेटा पता कर सकता है सिर्फ एक ईमेल आईडी के थ्रू। देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सबसे ऊपर ही, गूगल डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डिलीट सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोड योर डाटा का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, आपका जो ईमेल आईडी किसी और के हाथ लगेगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा अगला बंदा, अपने डिवाइस में आपका ईमेल आईडी लॉगिन कर लेगा पासवर्ड डाल करके, ठीक है। पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने के बाद इस प्रोसेस को फॉलो करेगा जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप डाउनलोड योर डाटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डाटा दिखा दिया जाएगा। जैसे कि देखिए 44 डाटा है जो कि मैं इस ईमेल आईडी के थ्रू लिंक करके रखा हूँ, ठीक है ना। और अगर 44 डाटा मैं सेलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर लूँ तो आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा। अब क्या क्या लीक होगा वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर कैलेंडर वगैरह, क्रोम में जो भी कुछ सर्च वगैरह करते हैं, कॉन्टैक्ट, जैसे कि देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह भी है, तो मतलब कि आपके ईमेल आईडी पर जो भी कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे मेरे डिवाइस में डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर ड्राइव में, यहाँ पर जो भी ड्राइव में मैं बैकअप लेता हूँ, ठीक है ना, वो सारे के सारे मेरे डिवाइस में दिखेंगे अगर मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ तो, ओके। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए गूगल अकाउंट का भी ऑप्शन है, ओके। यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल का है, यानी कि अगर आप गूगल पर जो भी प्रोफाइल अपना डाले हुए हैं, प्रोफाइल में जो भी आप डिटेल्स डाले हुए हैं वो सब कुछ मैं देख सकता हूँ यहाँ से डाउनलोड करके। गूगल क्लाउड सर्च है, ठीक है, उसके बाद गूगल हेल्प कम्युनिटीज है, गूगल पे है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस ईमेल आईडी के थ्रू करते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा और मैं एक क्लिक में, जैसे कि लोकेशन हिस्ट्री हो गया, मेल हो गया, आप अपने इस ईमेल आईडी के थ्रू किसको मेल किए हैं, कौन सा मेल आया है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ऑल मेल डाटा इंक्लूडेड। और यहाँ पर माई एक्टिविटी, जैसे कि रिकॉर्ड्स ऑफ योर एक्टिविटी डाटा अलॉन्ग विथ इमेज एंड ऑडियो अटैचमेंट, मतलब कि आपका इमेज, जो भी आप इमेज सेव करके रखे हुए हैं या फिर सर्च करते हैं या फिर ऑडियो वगैरह, सब कुछ और भी बहुत कुछ यहाँ से आपका लिया जा सकता है। उसके बाद फोन ऑडियो, देखिए फोन ऑडियो भी, यानी कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी यहाँ से ली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल,
उसके बाद रिमाइंडर, सेव, सर्च, कंट्रीब्यूशन, मतलब बहुत सारे, YouTube एंड YouTube म्यूजिक, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं YouTube पर, वो सब कुछ यहाँ से आपका लिया जा सकता है। अब देखिए इसको बैक कीजिए, पहले यहाँ से बैक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए आपको गूगल प्ले यानी कि इस ईमेल आईडी के थ्रू कितने ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद जीमेल, कितना कन्वर्सेशन हुए हैं, कितना इनबॉक्स है, कितना सेंड किया गया, कितना ड्राफ्ट में सेव है, यहाँ से मैं डाउनलोड करके देख सकता हूँ आपके पूरे जीमेल अकाउंट को, मतलब कि आपके मैसेज को देख सकता हूँ। तो अगर आपने प्राइवेट बातें की होंगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये रहा आपका जीमेल आईडी जो कि कैलेंडर से लिंक किया हुआ है और यहाँ से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। देखिए ड्राइव में 7 फाइल्स अपलोड की गई है इस ईमेल आईडी के थ्रू, तो यहाँ पर डाउनलोड करके मैं उस ड्राइव को भी ओपन करके देख सकता हूँ, मतलब उस फाइल्स को देख सकता हूँ, ड्राइव को ओपन तो नहीं कर सकता लेकिन फाइल्स को देख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको पेमेंट गेटवे भी दिख जाएगा, जिस पेमेंट आईडी को आपने इस ईमेल आईडी से लिंक कर रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहीं से सेटिंग्स में छेड़छाड़ किया जा सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से एंड्रॉयड बैकअप है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा बैकअप को भी यहीं से डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं ही खुद ऑनर हूँ इसलिए यहाँ पर डिलीट बैकअप डाटा का ऑप्शन आ रहा है, अगर दूसरा कोई ऑनर होता तो यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंक वगैरह, यहाँ पर कॉन्टैक्ट आपको दिख जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ मैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट को, ठीक है। उसके बाद गूगल एड्स वगैरह सेटिंग्स यहाँ से मैं कर सकता हूँ, टास्क है, मतलब कि सब कुछ यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मान लो अगर आपको किसी के कॉन्टैक्ट के बारे में पता करना है तो आप डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। चूंकि आपको पासवर्ड इस ईमेल आईडी का पता है तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको आ चुका है डाउनलोड करने का ऑप्शन, आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेस लिया जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है और डाउनलोड अगेन पर आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड अगेन इसलिए आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है फाइल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा फाइल्स, जो भी इमेज वगैरह, जो भी कॉन्टैक्ट मैंने सेव कर रखा होगा वो सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट कहाँ पर डाउनलोड होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पर आपको सर्च करना है माय फाइल्स, ठीक है ना, तो ये रहा माय फाइल्स, इसको आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि आपने डाउनलोड किया है तो डाउनलोड वाले ऑप्शन में ही दिखेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपने डाउनलोड किया है वो तो आपको यहाँ पर दिखेगा ही दिखेगा, प्लस में आपको कॉन्टैक्ट भी दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, टेक आउट पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर माय कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक कीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी सारी की सारी आ जाएगी। आप जिस भी ईमेल आईडी पर एक्सट्रैक्ट करके देखना चाहते हैं आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा, ये रहा, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो कॉल डिटेल्स है, मतलब कि आप किससे कॉन्टैक्ट करते हैं, कौन सा नंबर है आपके ईमेल आईडी पर, सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से कोई भी यूजर्स आपके ईमेल आईडी को हैक करके आपका सारा डेटा हैक कर सकता है, मैंने डेमो के तौर पर बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, मान लीजिए अगर आपका ईमेल आईडी हैक हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपना जीमेल ऐप ओपन कर लेना है और आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है और अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर डिवाइसेज वेयर यू आर साइंड इन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपका जो ईमेल आईडी है किस किस डिवाइस में लॉगिन किया गया है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपका जो ईमेल आईडी है इन सारे डिवाइस में लॉगिन तो किया हुआ है, बट ये सारा डिवाइस आपका है या फिर किसी और का है। अगर इनमें से कोई ऐसा डिवाइस है जो कि आपका नहीं है बट उसके बावजूद भी उस डिवाइस में आपका ईमेल आईडी एक्टिव है, तो आप फटाफट उस ईमेल आईडी को, अपने ईमेल आईडी को उस डिवाइस से लॉग आउट कर दीजिए। जैसे कि इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉग आउट का या साइन आउट का ऑप्शन दिख जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। आपको सिंपल साइन आउट पर क्लिक करना है और साइन आउट कर लेना है तो ये साइन आउट हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा ही डिवाइस है, ठीक है ना। तो साइन आउट जैसे ही करेंगे उसके बाद उस डिवाइस से आपका जो ईमेल आईडी है लॉग आउट हो जाएगा। और अब क्या कीजिए, आप अपने ईमेल आईडी में 2-step वेरिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए और साथ ही आप अपने ईमेल आईडी का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, यानी कि पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। होगा क्या, इससे आपका जो
ईमेल आईडी है वो बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा और कोई भी हैक करने की कोशिश करेगा तो हैक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो आपकी ईमेल आईडी से आपका सारा डेटा हैक हो सकता है, इससे आप बच करके रहें, अपने ईमेल आईडी को सेफ और सिक्योर रखें। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में सिर्फ एक ईमेल आईडी के थ्रू किस तरीके से हमारा पूरा मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।